नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एग्जाम टीवी पे स्वागत करता हूँ। और आज का नंबर सिस्टम का ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और ये गेट एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एसएससी में भी रिपीट हो सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, रूट में 1 + 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट में 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये सीरीज ऐसी चल रही है, और रूट में 1 + 1/2007 का स्क्वायर प्लस 1/2008 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन आपको दिया गया है 2008 - 1/2008, 2007 - 1/2008, 2007 - 1/2007, और ऑप्शन डी दिया गया है 2008 - 2009। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका इसमें ये रहेगा कि आप पहले एक इसका समेशन करो पूरा टोटल। जैसे आपको दिया गया रूट में 1 + 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 1 + 1 + 1/4 रहेगा, अगर इसको ऐड करोगे 2 + 2 + 1/4, और रूट के अंदर देखो 4 × 2 = 8 = 9, 9/4 आएगा, और रूट से जैसे ही बाहर आएगा ये मान तो ये 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 है, इसको मैं लिखने का थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। 3/2 को मैं 2 - 1/2 कर रहा हूँ, क्योंकि 2 × 2 = 4 - 1 करोगे तो 3/2 ही रहेगा। तो पहली टर्म का समेशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 - 1/2। अब अगर इन दोनों का मैं समेशन करूँगा, ठीक है, इसका तो कितना हो गया 3/2 हो रहा है, या फिर 2 - 1/2। अब मैं देखो अगली वाली टर्म है जो 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, इस टर्म का समेशन कर रहा हूँ मैं, तो 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, अगर इसका मैं समेशन करूँगा अंदर की तरफ तो 1 + 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब अंदर एलसीएम ले लूँगा मैं इसका, 36 एलसीएम आ जाएगा, इसको अंदर ही अंदर ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा रूट में 49/36, रूट से जैसे ही बाहर आएगा तो 7/6। अब ये 7/6 आया है तो ये सेकंड टर्म का समेशन आया है। अब पहली टर्म का अगर समेशन करोगे तो कितना आया था, देखो यहाँ पे पहली टर्म का समेशन आया था 3/2 प्लस दूसरी टर्म का समेशन आया था 7/6। अब अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम आएगा कितना, 6। एलसीएम जैसे 6 आएगा यहाँ पे तो ये तो देखो 6 आ रहा है तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो और ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखो 16/6 और 16/6 इसको आगे और काटोगे तो 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8/3 को लिखने का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ 3 - 1/3, तो देखो 3 × 3 = 9 - 1 करोगे तो 8/3 हो जाएगा, तो इसको लिखने का पैटर्न ऐसे चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कि अगर एक टर्म का समेशन कर रहे हो तो आपके पास में आ रहा है 2 - 1/2, ठीक है, जैसे ही फिर पहली दो टर्म है इन दोनों का आप समेशन करोगे तो आ रहा है 3 - 1/3। इसी तरीके से आप तीन टर्म का अगर समेशन करोगे तो वो आएगा 4 - 1/4। अब देखो पहली टर्म में तो क्या रहा है, पहली टर्म में तो 2 - 1/2 आ रहा है, और दो टर्म करोगे तो 3 - 1/3 आ रहा है, अगर तीन का करोगे तो 4 - 1/4 आ रहा है। इसी तरीके से अगर 2007 टर्म है तो इसका 2007 टर्म तक का ऐड हो जाएगा 2008 - 1/2008, ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अब देखो ये चीज़ कैसे हुई,
यहाँ पे देखो, आप ये देखोगे कि 2007 टर्म कैसे हुआ। देखो यहाँ पे पहला है तो यहाँ पे कितना है, ए का स्क्वायर है, यहाँ पे दूसरी टर्म में दो का स्क्वायर है, और जितनी टर्म होगी यहाँ पे कितना है 2007 है, तो टोटल टर्म होगी 2007। तो यहाँ पे जैसे पहली टर्म में 2 - 1/2, मतलब पहली टर्म में 2 से स्टार्ट हो रहा है, और दो टर्म का ऐड करोगे तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 3 टर्म का योग करोगे तो 4 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर 2007 तक के टर्म का अगर योग करोगे तो क्या होगा, 2008 - 1/2008, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।